दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। दुनिया खूबसूरत आश्चर्यों से भरी पड़ी है। आप तहे खोलते खोलते थक जाएंगे, लेकिन हर बार इस पृथ्वी पर एक नया आश्चर्य मिलेगा। मिडनाइट सन नाम से मशहूर नॉर्वे के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जहां 65 दिनों तक घने अंधेरों में जीते हैं लोग। पहली नजर में यूटिकैग्विक शहर किसी अन्य आर्कटिक शहर की तरह लगता है। यह पूरी तरह ठंडा है, जहां साल अधिकांश परमाफ्रॉस्ट प्रचलित है, साथ ही अधिकार पूर्ण भी, क्योंकि ये पृथ्वी पर सबसे बादल वाली जगहों में से एक है। हालांकि जलवायु प्रतिकूल है, शहर में 4000 से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें अधिकांश लोग अलास्का मूल निवासी है। वे दुनिया के सबसे उत्तरी सार्वजनिक समुदायों में से एक भी है, क्योंकि यूटिकैग्विक दूर उत्तर में स्थित है, जिससे यह संयुक्त राज्य में सबसे दूर स्थित उत्तरी शहर माना जाता है। साथ ही उत्तकाग्विक के लोगों को निश्चित रूप से इस पर गर्व है, क्योंकि उनका आदर्श वाक्य द नॉर्दर्न अमेरिकन सिटी है। इससे पहले यूटिकैग्विक शहर को बैरो के नाम से जाना जाता था। यूटिकैग्विक शहर उत्तरी ढलान बरो का आर्थिक केंद्र है। कुछ लोग तेल क्षेत्र के संचालन में मदद करते हैं, अन्य सरकारी काम पर भरोसा करते हैं, जबकि बाकी पर्यटन की कमाई से काम चलाते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि इतनी विषम जलवायु वाले क्षेत्र में कोई क्यों घूमने जाता होगा। आर्कटिक सर्कल में गर्मियों के महीनों में सूरज आधी रात तक निकला होता है, और उस समय सूर्य दिन के 24 घंटों के लिए रहता है। इस समय के दौरान कई आर्कटिक शहर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और समारोहों की मेजबानी करते हैं, जो रात में इस जादुई क्षण को देखने का अनुभव करना चाहते हैं। हालांकि मध्यरात्रि सूर्य ही एकमात्र घटना नहीं है जो यूटिकैग्विक को दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा करता है। अन्य अलास्कन शहरों के विपरीत यूटिकैग्विक में सर्दियों के महीनों के दौरान असामान्य रूप से लंबी ध्रुवीय रात होती है। एक ऐसी रात जो 65 दिनों तक चलती है, मतलब साल के 65 दिन यहाँ सूर्य नहीं निकलता और सिर्फ अंधेरा छाया रहता है। 2018 में 18 नवंबर को आखिरी बार सूर्यास्त हुआ था। इसके बाद शहर में 65 दिनों की लंबी रात हो गई और 23 जनवरी को जाकर सूर्योदय हुआ। दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।